में या फिर 80 की स्पीड पे भी देख लेते हैं भाई एक बार। ये भाई 80 की स्पीड है, इस पे भी देख लो भाई कैसी आवाज़ आपको आ रही है। मतलब रहे हैं नॉर्मल सिटी वाली रोड पे, जहाँ पे भाई मोस्टली बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और उनके बीच में हमारा माइक कैसे परफॉर्म करता है हमको यही चेक करना है। ठीक, GoPro के साथ ये फ्री में आता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये है भाई डेड कैट, ये माइक के ऊपर लगती है जिससे भाई माइक का साउंड और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। मतलब जो बाहर का विंड नॉइस होता है ना वो माइक ज़्यादा कैच नहीं करता। देखते हैं भाई 50 पे कैसी आपको आवाज़ आती है। ये भाई 60 की स्पीड पे बता दो आप कैसी आवाज़ आपको आ रही है। हेलो भाई, मैं हूँ अजय। और भाई बहुत लंबे टाइम से मैंने एक चीज़ का इंतज़ार किया था, वो चीज़ क्या है भाई मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। इंतज़ार तो क्या भाई, बट अंदर जो लेने की एक्साइटमेंट थी ना, मत पूछो, पहले एक बार देख लो फिर दिखाता हूँ भाई। ये है भाई वो चीज़। आई नो भाई बहुत ही आम चीज़ है सबके लिए, बट भाई जिसको बाइक से प्यार है ना वही जान सकता है इस चीज़ की कीमत भाई। ये है भाई GoPro के साथ विद माई न्यू हेलमेट। ओके भाई, ये भाई मेरा न्यू हेलमेट है एक्सोर का, आप सबको दिख रहा होगा। मैं आपको एक बार हेलमेट दिखा देता हूँ भाई, ये स्पेशल मैंने भाई GoPro के लिए ही लिया है। देखो है ना धमाकेदार, मेरी बाइक का नाम भी है भाई इस पे हंटर, तो इसके लिए ये देखो भाई पीछे हंटर बना भी है। तो भाई ये हेलमेट मैंने स्पेशल GoPro के लिए ही लिया है। ये भाई अभी शायद हेलमेट टेढ़ा है जिसकी वजह से GoPro भी आप लोगों को टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, बट भाई इसको लाने के लिए ना भाई वैसे तो 2 दिन लगे थे भाई, ट्रस्ट मी 2 दिन लगे थे मुझे GoPro मंगाने के लिए। बट इसकी छोटी छोटी आइटम, कभी माइक, कभी अंदर की डेड कैट, फिर अडेप्टर, फिर माउंट, मतलब 15 दिन लग गए भाई। कभी ये ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ, कभी ये ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ। वो होता है ना भाई, नया नया बंदा होता है, नई नई चीज़ सीखता है तो उसको टाइम लगता ही है भाई। बट चेक करो, और इसका सेटअप मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, पहले आप एक बार ऑडियो चेक करो। और ऑडियो चेक करने के बाद भाई कमेंट में ज़रूर बताना क्या दिक्कत आई है ताकि मैं इस चीज़ को सही कर पाऊँ। ठीक है, एक बार आप पहले ऑडियो चेक करो। हेलो भाई, वेलकम टू माई फर्स्ट मोटो ब्लॉग। आई होप भाई साउंड आपको बिल्कुल A1 क्वालिटी की आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत भाई आ रही है साउंड में तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। ये भाई अभी हम चल रहे हैं नॉर्मल सिटी वाली रोड पे, जहाँ पे भाई मोस्टली बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और उनके बीच में हमारा माइक कैसे परफॉर्म करता है हमको यही चेक करना है। ठीक है, बाहर की साउंड आपको कितनी आ रही है, मेरी खुद की बाइक की साउंड आपको कितनी आ रही है, क्योंकि भाई इसका भी साउंड अच्छा खासा है। ठीक है, जो ये घों घों करती रहती है ना, ये बहुत साउंड है इसका, तो यही बता देना भाई इसका साउंड आपको कैसे आ रहा है और बाकी गाड़ियों का साउंड, मतलब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, बेटर आ रही है, या फिर बाकी गाड़ियों की बेटर आ रही है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड खींचते हैं, एक बार देखते हैं भाई 50-100 पे कैसी आपको आवाज़ आती है। ये भाई 60 की स्पीड पे बता दो आप कैसी आवाज़ आपको आ रही है, क्लियर आ रही है या फिर थोड़ी और कमी है इसमें, या फिर 80 की स्पीड पे भी देख लेते हैं भाई एक बार। ये भाई 80 की स्पीड है, इस पे भी देख लो भाई कैसी आवाज़ आपको आ रही है। मतलब 60 से 80 के बीच में है, थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है या फिर ओके है, क्योंकि भाई अभी ना जो माइक है ना अंदर का वो ऐसे हिल रहा है साला, मतलब वो फिट ही नहीं बैठा है मेरे हिसाब से। तो क्या पता उसका भी इम्पैक्ट होता हो कि एक जगह में खड़ा रहेगा तो जिसकी वजह से बेटर साउंड आएगी, या फिर ऐसे हिलता रहेगा तो पता नहीं भाई। पर भाई एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि साउंड कैसी आ रही है। क्वालिटी से मेरा मतलब है भाई कि अच्छे तरीके से, अच्छे एंगल से आपको व्यू दिख सके। ठीक है, बाकी भाई इसका भी कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे को कैसे रखना चाहिए, और मेनली भाई व्यू प्लस साउंड। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए ना भाई कि कैसे व्यू और साउंड एक साथ लाया जाए, और भाई व्यू और साउंड के लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, रिकमेंड करना कि क्या सही हो सकता है क्या गलत है, और जिन जिन को पसंद आया हो वो भी अपने मोटो ब्लॉग के सेटअप में इस चीज़ को ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। अगली वीडियो हम उसी चीज़ पे लेके आएंगे कि मैंने इस चीज़ को कैसे सेटअप किया भाई, जो ये आवाज़ वाला आप सुन रहे हो, जो कि मैंने भाई प्रॉपर अभी सेटअप नहीं किया, जो मुझको पता लग गया भाई अंदर ना बोलते टाइम ना माइक ऊपर नीचे हिल रहा है, जो मैंने आपको बताया कि डेड कैट है मेरे पास। और भाई आपको अगर ये मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई
रिकमेंड भी करना मैं क्या इसमें और अच्छा कर सकता हूँ जिससे मेरी वॉइस क्वालिटी और जो व्यू आपको मिल रहा है ये और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, ठीक है। और जिन भाइयों को ये क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी या फिर व्यू अच्छा लगा हो, उनको जानना है कि ये मैंने कैसे सेटअप किया, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, मैं उनकी भी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल भाई यहाँ पर ट्रैफिक है, एक बार भाई मैं आपको वॉइस वाला सीन करवा देता हूँ कि टोटल हाई स्पीड में ये वॉइस कैसे देता है, ठीक है। व्यू वगैरह आपको मैंने दिखाई दिया है कि व्यू का सीन क्या है, ये मैंने आपको बताई दिया है। एक बार आपको वॉइस का भी बता देता हूँ भाई कि वॉइस कैसे चलेगी मेरी। तो भाई थोड़ी सी वॉइस टेस्टिंग करते हैं भाई। तो भाई थोड़ी सी आवाज़ को देखते हैं कितनी क्लैरिटी आपको मिल रही है आवाज़ की। ये है भाई 80 की स्पीड में, वाओ लाइट्स भी ऑन होगी भाई आगे। तो भाई 60-70 के बीच में ही है ये, मोस्टली भाई बाइक ऐसे ही चलती है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे आपको साउंड आ रही है, थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूव करनी होगी तो वो भी बता देना भाई। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरी मेहनत के लिए, क्योंकि 15-20 दिन भाई फूंक दिए मैंने इस चीज़ के पीछे, इस चीज़ को बेटर बनाने के लिए। तो ये था भाई, देखो मैंने स्पीड में भी चला ली 70-80 की और धीरे भी चला ली। अब जो जो कमी आपको लगी है सुनने में वो ज़रूर बताना, और कुछ अच्छा भी लगा है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताना मुझे, ताकि मैं इस चीज़ को आगे और ज़्यादा बेटर कर सकूं। क्योंकि ये मेरा भाई, मैंने जैसे आपको पहले बताया, मेरी फ़र्स्ट टेस्टिंग है इसके साथ। मतलब इससे पहले भाई मैंने एक बार किया था, बट उस टाइम पर ना मेरे पास सेटअप नहीं था पूरा, तो वो हो नहीं पाया बस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब ये ऑफिशियली ये मेरी पहली टेस्टिंग है इसके साथ, तो बता देना ज़रूर भाई कैसा आपको लगा है। तो भाई जो भी आपको साउंड में दिक्कत लगी है प्लीज़ एक बार ज़रूर बता देना। बाकी भाई मैं इसका बता देता हूँ भाई, इसमें क्या क्या सेटअप मैंने कैसे कैसे लगाया है, क्लियरली आपको पैसों के साथ रेट भी बता देता हूँ भाई साथ में, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ भाई मेरी तरह बहुत सारे भाई होंगे जिनको जानने की एक्साइटमेंट होती है कि इसको कैसे सेट करते हैं। भाई मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की इसको लगाने के लिए। पहले भाई शुरू करते हैं अंदर से, ठीक है। अंदर भाई पैडिंग लगी हुई है अभी आपके सामने, बट मैं इसको रिमूव किया था जब मैंने ये माइक वाली तार लगाई थी ना, ये मैंने कैसे लगाई है एक बार देख लो आप। तो भाई आपने देख लिया अंदर से मतलब कैसे है, अभी तो ये पैडिंग वगैरह लगी है, जब पैडिंग निकल गई थी तो कैसे है। और यहाँ पे भाई ये देखो, यहाँ पे मैंने माइक लगा रखा है, ठीक है। माइक के ऊपर भाई आपको आपको ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं भाई डेड कैट, मरी हुई बिल्ली। हिंदी में भाई मरी हुई बिल्ली होता है डेड कैट का मतलब। बट भाई देखो ये डेड कैट है, ये माइक के ऊपर इसलिए लगाई जाती है ताकि भाई जो माइक का साउंड है वो और भी ज़्यादा बेटर हो सके। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई ये है भाई डेड कैट, ये माइक के ऊपर लगती है जिससे भाई माइक का साउंड और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। मतलब जो बाहर का विंड नॉइस होता है ना वो माइक ज़्यादा कैच नहीं करता, इसके लिए होता है। और इसकी प्लेसमेंट मैंने कर रखी है भाई बिल्कुल, आप लोगों को दिखाऊं तो गाल के बगल में, मतलब जो मेरा होंठ है ना उसके बिल्कुल यहाँ पे मैंने इसकी प्लेसमेंट कर रखी है। आप लोगों ने साउंड सुन ही लिया होगा भाई कैसा वर्क कर रहा है ये। तो ये अंदर की बात भाई ये है, अंदर मैंने इस टाइप का सेटअप कर रखा है, ठीक है। और भाई ये है अडेप्टर की तार। अब बात करते हैं भाई मेन इस चीज़ की कि इसका क्या सेटअप है, ठीक है। ये भाई अडेप्टर, सॉरी भाई अडेप्टर बोल रहा हूँ मैं इसको, ये भाई माउंट मेरे को दूसरा भी लेना है, एक ना आता है आप लोगों ने देखा होगा हर कोई लगाता है उसको, चौड़ाई में ही आता है ना, ये भाई मुझे फ्री मिला था गोप्रो के साथ। तो मैंने इसको टेम्परेरी चेक करने के चक्कर में लगा तो दिया, बट देखो इसकी ना प्रॉपर फिटिंग नहीं आई है भाई हेलमेट के साथ ना, तो मेरे को ना वो चौड़े वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका डर भी लगा रहता भाई कि कभी भी गिर सकता है। बट ट्रस्ट मी मजबूत इतना है ना ये, हिलने का नाम नहीं ले रहा। बट लॉन्ग टर्म के लिए भाई वो लंबे वाली पट्टी आती है जो, वो मैं मंगा ही लूँगा। बट टेम्प्रेरी अगर किसी ने चलाना है ना तो GoPro के साथ ये फ्री में आता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। रही बात भाई इसकी GoPro, अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ भाई GoPro कैसा है। रही बात भाई कवर की, ये पड़ता है भाई अराउंड 1100-1200 रुपये के आसपास, ये जिस पे यूलानजी लिखा हुआ है ना ये कवर खाली, ये भाई 1100-1200 रुपये का पड़ता है। ये अडेप्टर भाई साहब सबसे महंगा मुझे ये लगता है, ये इतना सा अडेप्टर है देखो भाई, ठीक है। ये पड़ता है भाई आपको 4500 से 4700 रुपए के बीच में, ऑनलाइन मतलब रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं इसके, तो 4500 से 4700 के बीच में पड़ जाएगा आपको ये अडेप्टर, ये GoPro का यहाँ पे लगता है। इस पर फिर हम माइक अडेप्ट करते हैं, ये माइक है भाई, माइक सबसे सस्ती चीज़ अभी तक मेरे को लगता है मेरे पास, ये माइक है भाई। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा माइक है ये,
तो भाई इसका प्राइस ऑलमोस्ट 410 रुपये या 20 रुपये के आसपास आया इस माइक का, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट माइक है अंडर बजट, और भाई दिक्कत भी कुछ नहीं आती, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। बाकी भाई ये था टोटली सेटअप, गोप्रो भी अगर आपको निकाल के दिखाना है तो एक बार मैं निकाल ही देता हूँ, रुको भाई एक बार निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको गोप्रो। तो ये है भाई मेरा गोप्रो जो मैंने इस माउंट के अंदर लगा रखा था, देख लो ठीक है, ये ऐसे खुल के इसके अंदर सेटअप होता है, और इधर साइड को भाई इसमें देखो यहाँ पे SD कार्ड लगता है, और नीचे ये अडेप्टर की पिन लगती है ठीक है, जो माइक से कनेक्ट होती है। तो ये है भाई टोटली सेटअप गोप्रो का, मैंने टोटल कितना खर्चा किया भाई एक बार आपको बता देता हूँ मैं। तो भाई ये था सेटअप कुछ, मैंने आपको बताया था भाई कि टोटल कॉस्ट बताऊँ मैं आपको, माइक मैंने आपको बता दिया भाई 410 रुपये का आता है, अडेप्टर आपका ये आता है भाई 4500 रुपये का, बाहर का भाई जो गोप्रो का कवर है ये आता है भाई आपका 1100-1200 रुपये का, अंदर गोप्रो भाई मेरा हीरो 10 है तो इसकी कॉस्ट ऑनलाइन दिखा रहा होगा आपको 28000 के आसपास आपको ये पड़ेगा। इसके अंदर भाई एक मेमोरी कार्ड डलता है जो अलग अलग रेट पे आता है भाई, 1100 रुपये में भी आता है, 1800 रुपये में भी आता है, और 2200 रुपये में भी आता है, मतलब जैसा आपको चाहिए भाई वैसा आपको मिल जाएगा ठीक है, स्टोरेज के ऊपर डिपेंड होता है। बाकी भाई गोप्रो के साथ ही इसका नीचे वाला माउंट भी आता है, ये मैंने आपको बता दिया, तो ये इसी के साथ फ्री है टोटल भाई। और अंदर की डेड कैट, हाँ भाई जो मेन चीज़ है ये देखो, अरे यहाँ से दिखेगी भाई ये भाई जो डेड कैट है ना अंदर आपको दिखाई दे रही होगी, ये इतनी सी डेड कैट का प्राइस ही भाई 350 के आसपास है भाई। अब ये वर्थ इट है नहीं है ये आपको साउंड में पता लग गया होगा, प्लीज़ जो भी रिव्यू है आप सबके ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना ताकि भाई मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ, मेरे लिए ये बेटर है भाई कि मैं लॉन्ग राइड पे जब भी जाऊँ तो एक अच्छी साउंड क्वालिटी आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो देखनी है, मैं डिटेल्ड इन द सेंस कि भाई ये कैसे लगाते हैं, कैसे अंदर का मैंने सेटअप किया है, माइक किस टाइप का है, प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ अगर आप सबको चाहिए ना भाई तो बता दो, मैं अगली वीडियो ले आऊँगा भाई, अगली वीडियो में भाई मैं सब कुछ बता दूंगा कैसे मैंने ये सेटअप लगाया है, माइक कैसे फिट किया है, सब कुछ ओवरऑल कैसे कैसे चीज़ें लगाई हैं, तो ओवरऑल सब कुछ भाई मैं उस वीडियो में बता दूंगा। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी कमी लगी हो भाई वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो थी भाई मोटो ब्लॉगिंग के साथ वाली, मतलब गोप्रो के साथ वाली, तो आई होप आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे ठीक है। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड सेफ रहिए बाय प्लीज। यार ब्यूटी है ये, जितनी बार भी देखोगे मन नहीं भरेगा यार, ठीक है भाई।